गाइस व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से भाई। ये महादेव जी का मंदिर है, हम लोग पीछे के रास्ते से आ रहे हैं जिससे कि जल्दी दर्शन हो जाए। ट्रैफिक बहुत हो रहा है क्योंकि भाई छुट्टियाँ पड़ गई ना, दो तीन छुट्टियाँ, तो बहुत सारे लोग जा रहे होंगे। ओहो भाई ये रोड बन रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है आपके, बहुत ही ज़्यादा। गाइस यहाँ पे कोई मंदिर खड़ा है रास्ते में, ये मेन मंदिर जहाँ जा रही भाई है। अच्छा शनि नवग्रह मंदिर है गाइस, ये है शनिदेव, शनिदेव। कभी और भी आगे जाना है तो काफ़ी दूर है रास्ता। तो गाइज ये चेक करो, ये एक छोटी सी आई थिंक ये नर्मदा नदी ही है, और भाई कितना साफ पानी है यहाँ पे, तुम साफ पानी है, चेक करो भाई व्यू, तो चेक करो सच में यार, एकदम मतलब जमीन नीचे तक पूरा दिख रहा है, इतना साफ पानी एकदम क्लीन, तो मतलब मछली वगैरह भी है ना वो भी दिख रही है ऊपर से ऐसे ही। कोई गांव है भाई, तो भाई लोगों जॉब वगैरह तो चलती रहेगी, प्लान बनाओ और घूमने निकल जाओ, ना पैसे इकट्ठे हो पाएंगे ना कुछ, भाई कुछ भी करो, जनरल की टिकट लो, ट्रेन से जाओ, बहुत सस्ते में घूम सकते हो इंडिया, पैदल चलो, लिफ्ट मांगो, गुरुद्वारे में खाना खाओ, भंडारा में खाना खाओ और चिल करके घूमो, नहीं तो पैसे जोड़ते रहोगे, ऊपर निकल लोगे, टिकट कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा, घूम भी नहीं पाओगे। बस छुट्टी मारो, बॉस को गोली दो और घूमने का प्लान बनाओ, नानी नहीं सिर्फ निकल भी जाओ घूमने। थोड़ा सा ट्रैफिक, ओ भाई लंगूर, वाह ये चेक करो भाई, पीछे बंदर दिखे, अब यहाँ लंगूर और यहाँ ये स्कूल, वाह 26 जनवरी का फंक्शन चल रहा है भाई। हम लोग पहुंच चुके हैं नर्मदा नदी के पुल पे, और गाइस नज़ारा देखो भाई, क्या ही नज़ारा है यार, यहाँ लोग नीचे जा रहे हैं, नहा रहे हैं, पता नहीं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा किसी का भी, भाई क्या नज़ारे हैं यार, बस थाले को आगे ही निकल जाना है। तो ये चेक करो गाइस कितनी बड़ी नदी, पानी कितना साफ है, ये लोग मछली पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखो गाइस, तो अभी गाइस हम इसी नदी में नहाएंगे, नर्मदा नदी में मज़ा आएगा भाई। गाइस चेक करो कितना साफ पानी है नर्मदा नदी का, चेक करो भाई क्या नज़ारा है, क्या व्यू है यार, ऑसम व्यू भाई, मज़े आ गए यार, मतलब बोलते भाई इतना मैं थक चुका था, ये नज़ारा देख के ना एकदम से ऐसा लग रहा है भाई थकान बिल्कुल है ही नहीं। और ये रही हमारी चिल्लर पार्टी, ये चेक करो भाई,
ये भाई गाड़ी जा रही हमारी आगे, सारा सामान उसमें रख दिया हमने। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ माँ नर्मदा की पावन नगरी ओंकारेश्वर में, आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से भाई 12 किलोमीटर दूर है ओंकारेश्वर, तो भाई चलते हैं। तो भाई ये रहा गेट, यहाँ से होती है एंट्री, लगभग अब हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है ओंकारेश्वर, फोटो वोटो खींच रहे भाई लोग। इधर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं खाने पीने के लिए, दर्शन करके आओ, यहाँ रुको खाओ पियो। पंक्ति तो देखे ही जा रही। वाह क्या मस्त रिएक्शन मिला भाई। यहाँ से पार्किंग क्या सीन है, अच्छी लगेगी। अच्छा पार्किंग का भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अब नर्मदा नदी के घाट पे। ये नर्मदा नदी है, यहाँ पे हम लोग नहाएंगे, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए। ये लोग हमारे साथ में फैमिली हमारी, ये देखो। ये चेक करो गाइस, ये देखो गाइस बोट चल रही है यहाँ पे, इधर ये इधर बोट चल रही है, इधर पुल बना हुआ है। गाइस व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से। ये नर्मदा नदी है और हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, चढ़ाने के लिए देखो। गाइस ये चेक करो बैलेंस देखो भाई, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बकरी ऐसे चढ़ गई है भाई, जरा सा पैर रख के भाई, क्या बैलेंस बनाया हुआ है यार। ये देखो भाई भाई ये महादेव जी का मंदिर है, हम लोग पीछे के रास्ते से आ रहे हैं जिससे कि जल्दी दर्शन हो जाए। ये व्यू देखो कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू है।